हेलो स्टूडेंट्स, चलो कल मैंने मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास। उस न्यूमेरिकल में गिवन में, चलो उसको सॉल्व करते हैं। उसमें मास की वैल्यू कितनी थी? 10^-3 kg, 10^-3 kg, एंड चार्ज कितना था? Q इक्वल्स टू 1.6 × 10^-19 कूलम। ठीक है, अब आप मैच कर लेना इसको, ठीक है, अपने आंसर से। देखो, चलो आगे चलते हैं। Q की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10^-19 कूलम। Now, अब देखो, एक बात सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है और यहाँ पर मास का भी कंसेप्ट आ गया है। अब वो जो वाटर ड्रॉप है, वो वाटर ड्रॉप है ना, क्या कर रही? वाटर ड्रॉप पे एक फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स कौन सा वाले लॉ से लगेगा? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू कितना होता है? mg। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर में भी एक फोर्स का फॉर्मूला निकालना, तो दैट इज इक्वल टू क्यूई। तो एफ इक्वल टू क्यू ई और एफ इक्वल टू एम जी, दोनों इक्वेट हो जाए, दोनों फोर्स इक्वेट करेंगे, तो अपने पास क्यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला मिल गया, तो ई इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे? एम जी बाय क्यू। हो गया है जी, बहुत सिंपल सा हो गया है। तो अब देखो, मास की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10^-3। 10^-3 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू कंसिडर कर लो, 9.8। 9.8 होती है। अब दो, क्यू की वैल्यू अपने पास है ना 1.6 × 10^-19। -19, तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो आप बच्चे कर लेना अच्छे से, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 6.125 × 10^16, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये हो गई कल की प्रॉब्लम, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट एडिंग डालना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ये कुछ आपको याद आ रहा है इसमें? ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट समझा हो तो बहुत अच्छे से याद भी आ रहा होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास है ना क्या रखा हुआ है? एक डायपोल है, ठीक है, एक डायपोल है। उसका जो अपने पास है ना, उसका डायपोल का नाम क्या कंसिडर कर लिया मैंने? ए बी, ठीक है। डायपोल का नाम क्या कंसिडर कर लिया? ए बी, जो पॉइंट पे जहाँ पे चार्ज प्लेस करके रखा। फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकेंड चार्ज इज Q2। यहाँ पे पहला वाला चार्ज कितना ले लिया? Q1, और सेकेंड वाला चार्ज कितना ले लिया मैंने? Q2, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने पास दो चार्ज रखे हुए हैं। अब दोनों चार्ज में से पहला वाला क्या होगा? फर्स्ट वाला क्या होगा? -Q। सेकेंड वाला क्या ले लिया मैंने? +Q। अब मैंने, जहाँ तक अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने याद हो तो, ये सेंटर से लेके इस डायपोल के कारण कितनी इंटेंसिटी जनरेट होगी, इस डायपोल के कारण कितनी इंटेंसिटी जनरेट होगी, वो अलग अलग पॉइंट पे हैंड आउट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो प्रीवियस लेक्चरों में पहले मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट की थी, याद हो तो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सल लाइन हो चुका था और एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे निकाल चुके थे, मतलब इस पॉइंट पे निकाल लिया, चलो सेंटर के हिसाब से निकाल लिया। अब अगर अपने पास बोला जाए कि इधर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? कोई सा एक पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट मेरे पास कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी, कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब एक बात सुनना कंसेप्ट भाई, इस पॉइंट पी पर एक्सियल लाइन वाली इंटेंसिटी वर्क करेगी और परपेंडिकुलर बायसेक्टर वाली इंटेंसिटी वर्क करेगी, दोनों इफेक्ट करेगी। तो अब देखना, अच्छे सुन लेना,
कि अब देखो एक इंटेंसिटी, अगर मैं ना इसकी पोजीशन कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास है ना, एक पोजीशन कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे डायपोल ऐसा प्लेस होता, अगर डायपोल की एक पोजीशन होती, एक पोजीशन ऐसी होती और एक पापेन को बायसेक्टर वाली पोजीशन होती, ठीक है, एक पापेन को बायसेक्टर वाली पोजीशन, तो इसका नाम रख दिया A1 B1 और इसका नाम रख दिया A2 B2। दो पोजीशन अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो दो दो इंटेंसिटी वर्क करेगी, क्योंकि रियल में तो यहाँ पे डायपोल ये प्लेस करके रखा हुआ है, लेकिन इसके कहा यहाँ पे इंटेंसिटी है, एक पापेन को बायसेक्टर का इंटेंसिटी आएगी, तो दोनों दोनों इंटेंसिटी का रियल टर्म निकाल लेंगे, वेक्टर प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, ध्यान सुनना। अब देखो इस पॉइंट पे एक्सेल लाइन का इंटेंसिटी कंसिडर कर, तो अपन ने एक डायपोल कंसिडर कर लिया कि A2 B2 एक पोजिशन है, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, उसको टर्न आउट नहीं किया है, बिल्कुल दिमाग लगाना मत इसमें। देखो मैंने क्या कर दिया, तो एक इंटेंसिटी यहाँ वर्क करी तो उसका नाम रख दिया E1, ठीक है, एक इंटेंसिटी का नाम क्या रख दिया हमने E1। अब अपने पास दूसरी वाली जो दे रखी है वो वहां पे इसके, अब परपेंड को, अब आपको याद हो अगर अच्छे से थोड़ा सा याद रखना, जब मैंने परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, तो देखो डायग्राम कैसा बना था, यहाँ पे एक डायपोल था, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज था, और उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिली थी, याद है आपको, ठीक है, इधर इधर तो कुछ मिला ही नहीं था, तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि ये अपने लिए परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ये अगर इन्हें A1 B1 ये पोजिशन ले लिया, तो एक डायपोल है उसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी होगी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी अपने पास E2 की, इधर हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब नेट अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल कंसिडर कर, यहाँ पे एक एंगल थीटा है और यहाँ पे एक एंगल कंसिडर कर लिया अल्फा, तो अब देखो चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा एंगल है, अब देखो ये मेरे पास में E1 है, ये E2 है, अब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट रिजल्ट इंटू टू कंपोनेंट्स, डायपोल मोमेंट का नाम क्या है, पी। देखो डायपोल मोमेंट की बात करूं तो मेरे पास में, ये फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरे पास AB एन इलेक्ट्रिक डायपोल है, विच कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। अब इस पॉइंट, इस डायपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक्सेल लाइन पे निकाल चुका था और परपेंडिकुलर बायसेक्टर भी निकाल चुका था, अब कोई सा भी इधर उधर कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है, वापस से बता दे रहा हूँ मैं। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ना, यहाँ पर पॉइंट है, तो इधर एक्सेल लाइन वाली भी इंटेंसिटी उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, इधर भी आएगी, मतलब रिजल्टेंट इधर मिलने वाला है, ठीक है, बीच में आएगी, तो दोनों इफेक्ट करेगी, तो इस पॉइंट पे मैंने कर लिया कि ये जो इंटेंसिटी है वो कंसिडर कर ली, कौन सी वाली, एक्सेल लाइन वाली, ये वाली क्या कंसिडर कर ली मैंने, परपेंडिकुलर बायसेक्टर वाली, तो इसका बीच में रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट पी है रिजोल्व इंटू टू कंपोनेंट, वन इज पी कॉस थीटा और सेकेंड वन इज पी साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे ईवन जब भी लिखेंगे अपन, तो ईवन जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सा वाला मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, पी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास, पी साइन थीटा, ठीक है। अभी बात और समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, हाँ तो ये बता रहा हूँ मैं, एक बात और अच्छे समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या एंगल अल्फा है, ठीक है, और सेम एंगल यहाँ पे भी, ये दोनों एक जैसे एंगल आएंगे, रिजल्टेंट निकालना है मुझे, तो देखो एक बात बता दे रहा हूँ मैं कि अपने पास जो कंपोनेंट है पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1 B1 पार्ट, ठीक है, ड्यू टू A1 B1 पार्ट। अब देखो सुनना ध्यान से, ये मेरे पास डायग्राम में पास में हो, तो देखो ये E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है, ठीक है। अब देखो E1 लिखा जाएगा, तो E1 न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है मेरे पास, है ना, सब मैग्नीट्यूड लिख कर लिया है। अब देखो ये जो इंटेंसिटी है, ये जो E1 इंटेंसिटी है, मैंने इसको कंसिडर किया था कि ये A1 B1 A2 A1 B1 के कारण आएगी, तो
एक बात बताओ, इंटेंसिटी ऑफ लेटर, एक बात बताओ, एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे है ना, एक काम कर देते हैं, E2 नाम दे देते हैं यहाँ पे E1। पता है क्यों? क्यों अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा, बताऊँ क्यों? यहाँ पे E2 ले लिया। अब E2 मतलब समझ जाना कि मतलब कौन सी वाली पोजिशन, ये A2 B2 वाली, ठीक है? A2 B2 के लिए फॉर्मल लिखने वाले हैं। और जो अपने पास है ना A1 B1 वाले के लिए है ना, तो A1 B1 के लिए कौन सी वाली इंटेंसिटी हो जाएगी, ये वाली। तो अंडरस्टैंडिंग याद रहेगी, कंसेप्ट अपना वही है, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है? कंसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं किया है। अब देखो होगा क्या, जैसे मेरे पास है ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1 B1 पार्ट, तो ड्यू टू A1 B1 पार्ट, तो मेरे पास इंटेंसिटी लिखने के लिए जरूरत पड़ी थी। तो ड्यू टू A1 B1 पार्ट, तो A1 B1 ये रहा, और A1 B1 तो है ना पता है इक्विटोरियल लाइन पोजीशन है, और इक्विटोरियल लाइन पोजीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4π∈P/r³, ठीक है? बट यहाँ पर है ना अपने पास में पता है क्या होगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कॉस का मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे क्या वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होता है, साइन का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बस ये मेन चीज ध्यान रखनी थी, ठीक है? तो आप देखो वापस देखना, अब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A2 B2 पार्ट, A2 B2 पार्ट, ठीक है? चलो A2 B2 पार्ट के पास चले आते हैं। अब देखो A2 B2 पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो एक्सियल लाइन जैसा लग रहा है, लग रहा है? तो इसकी जो इंटेंसिटी है A2, तो ये जो इंटेंसिटी है वो आएगी E2 = 1/4π∈, फॉर्मूला याद करो, उसका फॉर्मूला था 2P/r³, ठीक है? याद है, पेज पलटा कर देख लेना, ये एक्सेल लाइन वाला फॉर्मूला था, है ना? क्योंकि ये अपन डेरिवेशन कर रहे हैं शॉर्ट डायपोल के लिए, ठीक है? थोड़ा सा चेंज कर लेना, अगर इसमें नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई पूछे तो कंसेप्ट ये समझ में रहना चाहिए, ठीक है? अब देखो ये चलते हैं आगे चल के, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A2 B2 पार्ट, तो E2 = 1/4π∈₀ 2P/r³, और देखो A2 B2 पर एक्सेल लाइन है, तो देखो ये वाला ने पता कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, कॉस का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस थीटा, ठीक है? छोड़ दो, ठीक है? समझ में आया, ये मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मतलब है ना, यहाँ पे कौन सा वाला पार है, A2 B2 मतलब एक्सेल लाइन वाला है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये सब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्सेल लाइन वाला, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा वाली पोजिशन हो रही है, इक्वेटोरियल लाइन पोजिशन, तो इक्वेटोरियल लाइन वाले इंटेंसिटी के फॉर्मूला किसका मल्टीप्लाई कर दे, साइन थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है? शॉर्ट भी बता दिया, कंसेप्ट भी बता दिया। अब सुनो रिजल्टेंट कैसे निकला, इन दोनों बीच का रिजल्टेंट, तो अपन पता है क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने पास है ना निकालना, तो देन रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, देखो ई नेट इक्वल्स टू, याद हो तो आपको कि अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो बीच में रिजल्टेंट आता था, तो आर की वैल्यू क्या आती थी, आर इक्वल्स टू √A² + B² होता था, याद है आपको, जब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता था, ठीक है? तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, E1² + E2², ठीक है? अब तो कुछ कहानी बची ही नहीं है, तो देखो E1² + E2², चलो आगे चलते हैं अपन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 1/4π∈₀ 1/4π∈₀, और देखो E1 की वैल्यू कितनी, 1/4π∈₀ P/r³ और साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/4π∈₀ 2P/r³, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? ये स्टेप समझ में आए, देख लेना अच्छे से, ठीक है? अब देखो इसमें से मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक नेट निकालना है, तो देखो इन दोनों में से कॉमन मतलब स्क्वायर है, तो सबको स्क्वायर मिलने वाला, ठीक है? कॉस
कॉमन क्या क्या निकल रहा है सबसे बढ़िया बात बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा तो बाहर निकलता निकलता रूट से बाहर निकलेगा तो अकेले ही रह जाएगा वो तो, ठीक है। और पी तो पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर पी बाहर आएगा तो वो भी अकेले ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब है ना आर क्यूब बचा, तो आर क्यूब जो आर क्यूब का स्क्वायर, आर क्यूब का स्क्वायर तो आर क्यूब भी बाहर आता है तो अकेले ही बचेगा। अब बचा साइन थीटा, अब है ना अंदर क्या क्या बचेगा देखो जादू, ठीक है। अंदर क्या क्या बचेगा तो अंदर देखना ध्यान से, अपने को साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 cos² थीटा। कितना बचेगा यहाँ पे 4 cos² थीटा, क्यों, क्योंकि पी गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, आर क्यूब गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे ओनली cos² थीटा बचेगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। 1 P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इसको पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर देते हैं। बोले क्या दिक्कत है सर, साइन साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 cos² थीटा + 4 cos² थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 cos² थीटा - cos² थीटा, तो कितना हो जाएगा 3 cos² थीटा और ये +1, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कौन से किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अब देखो चलो, अब है ना जो एंगल अल्फा लिया था अपन ने, ठीक है, एंगल अल्फा लिया था, ये देखो ये वाला जो एंगल है वो भी तो निकालें, तो ये वाला एंगल निकालेंगे तो अपने पास है ना ये एंगल के सामने अल्फा, सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होगा बेस, तो परपेंडिकुलर अच्छे सुन लें, इसके सामने वाला कोण E1 और बेस में क्या हो जाएगा E2, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E1 बाय क्या मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो E1 बाय E2, ठीक है। तो मेरे पास है ना टेन अल्फा भी निकाल ही लेते हैं यहाँ पे, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला निकाला, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला आएगा E1 बाय E2, तो देखो E1 बाय E2, तो E1 की वैल्यू टेन अल्फा इक्वल टू E1 कितना दे रखा है, E1 कितना निकाल के रखा था अपन ने, E1 निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या गया E1 P/r³ sin थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या है 2 P/r³ cos थीटा। अब देखो इससे क्या हो कैंसल, इससे क्या हो, इससे इससे ये क्या हो कैंसल, तो देखो तो टेन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 sin थीटा / cos थीटा क्या होगा 10 थीटा, डायरेक्ट लिख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा 10 थीटा, ठीक है। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा हो गया, तो एक रिलेशनशिप ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके केसेस, ठीक है, केसेस केसेस में चलते हैं। केस नंबर 1, केस फर्स्ट केस है व्हेन θ=0, थीटा अगर 0 है देन, थीटा अगर 0 है तो मेरे पास है ना ई का फॉर्मूला क्या आएगा, पुट कर दो उसमें फॉर्मूले में, तो पुट करोगे तो अपने पास है ना क्या मिलेगा 2 P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ किसमें पुट किया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब कौन से वाले फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, ये वाले फॉर्मूला, तो यहाँ पे थीटा वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 + 1 4, 4 का रूट कितना 2, तो 2 P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। अब देखो अभी ना एक चीज समझ में आ गई बहुत जादू वाली, देखो अगर मैंने थीटा 0 कर दिया, अगर थीटा 0 कर दिया इसका मतलब क्या है डायग्राम, थीटा अगर 0 है इसका मतलब ये, इसका मतलब ये ऐसा टर्न हो रहा है मतलब एक्सेल पोजीशन का आ जाएगा, और एक्सेल पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो देखो कितना मैच हो रहा है, देखो फॉर्मूला मैच हो गया, देखो एक्सेल लाइन पोजीशन वाला है E=2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P/r³, देखो समझ में आया कि नहीं आया।
अब देखो उसके बाद आते हैं एफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको पिक्चर समझ में आ गया कि 90 डिग्री पे क्या होने वाला है, 90 डिग्री पे थीटा हो जाएगा अगर, तो है ना 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब आना चाहिए, और आ रहा है। कैसे आएगा देखो, अब देखो फॉर्मूला था ना अपने पास फॉर्मूला, तो कॉस 90 वैल्यू कितनी 0, तो 3 × 0 = 1 बचेगा, तो r क्यूब बचेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ इजी सा, ठीक है, बहुत इजी है, हो सकता है किसी किसी को डिफिकल्ट लगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो ध्यान से। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर कॉमा ऑन द एक्सियल लाइन कॉमा फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट इज द सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r dash on the equatorial line comma from its midpoint full stop, determine the ratio r by r dash। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से आंसर अजीब सा आएगा, तो दिमाग लगाना थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आराम से पावर रिवाइज कीजिए और इसका फायदा उठाइए। अभी जो टाइम है ना, जितना कोशिश हो सके उतना चीज़ें पढ़ लो, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो इतना ही बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए, आप बार बार रिपीट कीजिए, बुक उठा कर देखिए। बुक के लिए मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि आप कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए, कोई बुक चाहिए हो ऑनलाइन, जो भी चीज़ मुझसे अवेलेबल होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।